بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إنا هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إنا يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إنا شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إنا هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم سورة دخان 22 نمبر کی آیت تک ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش ہوا تھا جس میں تذکرہ ان قوموں کا تھا کہ جہاں انبیاء علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے آئے لیکن انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو سننے یا ان کا اتباع اور پیروی کرنے کے بجائے ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی اور ان کو اذیتیں دینا اور پریشان کرنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ظلم کی ایک حد ہوتی ہے اور جب وہ ظلم اپنے سر کو چڑھ جاتا ہے تو پھر رسی کھنچ جاتی ہے۔
अंबिया अलैहिस्सलाम के दौर में उनके ज़माने में भी ऐसे ही हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब जुल्म अपनी हद को पहुंच जाता था तो नबी खुदा रसूल खुदा अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते थे, और जब फरियाद करते थे तो फिर अजाब आ जाता था, और उस अजाब के नतीजे में पूरी कौम तबाह बर्बाद हो जाती थी। और अगर तुम ईमान नहीं लाते हो तो मुझसे अलग हो जाओ। फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की कि यह कौम बड़ी मुजरिम कौम है, तो हमने कहा कि हमारे बंदों को लेकर रातों रात चले जाओ कि तुम्हारा पीछा किया जाने वाला है, और दरिया को अपने हाल पर साकिन छोड़कर निकल जाओ कि यह लश्कर गर्क किया जाने वाला है। ये लोग कितने ही बागात और चश्मे छोड़ गए, कितनी ही खेतियां और उम्दा मकानात छोड़ गए, और वो नेमतें जिनमें मज़े उड़ा रहे थे, यही अंजाम होता है। और हमने सब कवारिस दूसरी कौम को बना दिया। वाकयन अगर आप दुनिया के ऊपर नज़र कीजिए तो वाकयन कैसी इबरत है, कैसी नसीहत इसी दुनिया में, लेकिन इंसान इबरत लेता नहीं है, इंसान नसीहत लेता नहीं है। आप खुद अपने हिंदुस्तानी का देख लीजिए, कैसी कैसी हुकूमतें आईं, और एक के बाद कहाँ, एक ज़माने में मालूम हुआ कि कौन से राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, उसके बाद फिर मुग़ल आ गए, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर मुग़लों का राज हो गया, और लगता था कि हाँ बस एक मुसलमान हुकूमत आ गई, और फिर मुग़लों का राज ख़त्म हुआ, और उसके बाद अंग्रेज़ों का राज आ गया, और यहाँ से लेके और बरतानिया तक जो है वो सब वो अंग्रेज़ हुकूमत करते रहे, उनका कला कमा हुआ, उसके बाद फिर दूसरी हुकूमतें आईं, आईं गईं, आई गईं। नतीजा ये कि एक नसीहत है, एक इबरत है इंसान के लिए, लेकिन फिर भी इंसान इबरत लेता नहीं है, नसीहत लेता नहीं है। और जब इन्हीं हुकूमतों और दुनिया को हासिल करने के लिए इंसान जुल्म का सहारा लेता है तो फिर अंजाम बर्बादी होता है और अंजाम तबाही होता है, जो आज आप दुनिया में और खुसूसन इसराइल में या फिलिस्तीन में देख रहे हैं कि जब जुल्म अपने सर को चढ़ जाता है तो आखिरी अंजाम तबाही और बर्बादी है, जो इंशाअल्लाह इसराइल का अंजाम होने वाला है। और कितनी ही खेतियां, यही अंजाम होता है। और हमने सब का वारिस दूसरी कौम को बना दिया, फिर तो न उन पर आसमान रोया और न ज़मीन, और न इन्हें मोहलत ही दी गई। ये एक आयत, इसके ऊपर गौर कीजिएगा, इस आयत के ऊपर बहुत सी मजलिसें भी आप लोगों ने सुनी होंगी कि जिसमें परवरदिगार आलम ने फरमाया कि उनके ऊपर न ज़मीन रोई न आसमान रोया। अब यहाँ से बहरहाल एक जो लोग कहते हैं कि कहीं ज़मीन भी रोती है, कहीं आसमान भी रोता है, या करबला के जब वाक़यात बयान होते हैं तो उसके ऊपर एतराज़ होता है, इस आयत से साबित होता है कि नहीं, ज़मीन रोती है, आसमान भी रोता है, और कुछ ऐसे हैं कि जिनकी शहादत के ऊपर ही जिनके दुनिया से जाने को ज़मीन भी रोई और आसमान भी रोया है। जब कुरान कह रहा है कि ना इन पर ज़मीन रोई ना आसमान रोया, इसका मतलब ये क्या हुआ कि बहरहाल कुछ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर ज़मीन भी रोती है और आसमान भी रोता है। ये थोड़ी सी तफसीर है यहाँ के ऊपर, इसको हम बयान करते हैं। फिरौनियों की बदबख्ती ये थी, क्योंकि अभी जो जिक्र चल रहा था ये फिरौनियों का तस्करा चल रहा था। फिरौनी, फिरौन खाली एक नाम था, वरना ये पूरी कौम थी जिनको किबती कहा जाता था, और ये बड़े बड़े महलों में रहा करते थे, थोड़े से थे लेकिन हुकूमत पूरे पे कर, जैसे आज यहूदी थोड़े से लेकिन हुकूमत पूरे के ऊपर, और मुसलमान वालों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और यहूदी बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। बिल्कुल यही बनी इसराइल में इन किबतियों की हालत थी कि बनी इसराइल दर दर की ठोकरें खा रहे थे उस वक्त, और ये जो किबती थे ये बड़े बड़े महलों में रहा करते थे। नबी खुदा आते थे, उनकी सुनती नहीं थे, उनकी मुखालफत करते थे, अजियतें देते थे, तकलीफें पहुंचाते थे। फिरौनियों की बदबख्ती ये थी कि जब उनके अजाब के दिन आ गए तो उन्हें एक लम्हा की भी मोहलत नहीं मिली,
और दरियाए नील में गर्क कर दिए गए और उनकी जिल्लत और रुसवाई की अलामत यह है कि उनके मिट जाने पर जमीन और आसमान में कोई तासुर जाहिर नहीं हुआ। जमीन और आसमान पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई जरा बराबर कुछ फर्क नहीं पड़ा उनके। नाम तौर से होता कि भाई एक पौरी कौम चली गई या ऐसी शख्सियत चली गई तो जमीन एहतजाज ही होता है कम अज कम। जैसे आज मसलन फिलिस्तीन में भले मुसलमान हुकूमतें या दुनिया की हुकूमतें मुसलमानों का साथ न दें और इसराइल के साथ खड़ी हों, लेकिन कम से कम आज एहतजाज तो फिलिस्तीनियों के लिए पूरी दुनिया में हो रहा है, इसराइल के लिए कहीं एहतजाज नहीं हो रहा है। यहां तक कि अमरीका और यूरोप और जहां वो खुद इसराइल के साथ खड़े, लेकिन वहां के ऊपर भी एहतजाज फिलिस्तीनियों के हक में हो रहे हैं, बड़े बड़े लाखों के और हजारों के मजमे। तो उनके जाने के ऊपर, फिरौनियों के जाने के ऊपर जमीन पे कोई असर नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, कहीं से कोई कुछ आवाज, कहीं से कोई बदलाव, कहीं से कुछ नहीं। तो जबकि उनका ख्याल यह था किसका, फिरौनियों का, कि अगर हम मर जाएंगे तो कयामत आ जाएगी, अगर हम मर जाएंगे तो कयामत आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हवा नहीं खड़ा गया, अगर इसराइल के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया तो बस दुनिया में कयामत आ जाएगी, कुछ नहीं हुआ, न कयामत आई और ना जलजला आया, तो कयामत। और ये और बात भी सही थी कि खुदा के मर जाने के बाद कायनात के बाकी रहने का क्या सवाल। बहुत अच्छा नुकता है कि फिरौन अपने को खुदा कहता था, जब खुदा ही नहीं रहेगा तो खुदा के मर जाने के बाद दुनिया कहां बाकी रहेगी, तो बाकी रहना भी नहीं चाहिए था। बात उनकी बराबर थी, उनके लिहाज से सही थी, कयामत आ जाएगी। यह बात भी सही थी कि खुदा के मर जाने के बाद कायनात के बाकी रहने का क्या सवाल पैदा होता था, लेकिन कुदरत ने वाजह कर दिया कि बातिल खुदा भी बन जाए तो उसके मर जाने पर जमीन और आसमान में कोई तब्दीली वाकई नहीं होती है। हां, कोई बंदे खुदा राह खुदा में काम आ जाए तो उसकी शहादत पर जमीन भी रो सकती है और आसमान भी गिरिया कर सकता है, जैसा कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में नकल किया गया है कि बैतुल मुकद्दस की जमीन से, यही बैतुल मुकद्दस फिलिस्तीन में जो है, बैतुल मुकद्दस की जमीन से जो पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे से खून ताजा जोश मारता था, और यही हाल आसमान का भी था कि उससे खून की बारिश हो रही थी। तारीख में ऐसे बहुत से मौके नकल किए गए हैं जहां साहिबान ईमान इखलास के मरने पर जमीन और आसमान में बदलाव आया है, एक असर जाहिर हुआ है जमीन और आसमान में, यही जमीन का और आसमान का गिरिया है, यानी जमीन का कुछ असर जाहिर होना या आसमान से कुछ असर का जाहिर होना। यह और बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी सबसे बालातर थी तो इसका असर भी सबसे ज्यादा हुआ, और करबला से बैतुल मुकद्दस तक सारी जमीन मुतासिर हो गई। और शायद यह भी शहादत की एक मेराज है कि असरात में से है कि मस्जिदुल अक्सा तक पहुंच जाए और जमीन और आसमान में एक जलजला पैदा हो जाए। रसूलुल्लाह को मेराज में कहां से हुई थी, मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिदुल अक्सा, तो ये शहादत की मेराज थी। क्यों मस्जिद अक्सा ही ने जो है वो पत्थर, खून पत्थर के नीचे से खून निकल रहा था, एक तरीके से हकीकत में ये एक इशारा था कि अगर वो रसूलुल्लाह की मेराज थी कि जो मक्के से शुरू हुई थी और मस्जिद अक्सा के ऊपर तमाम हुई थी, तो ये शहादत की मेराज है कि जो करबला से शुरू हुई है और अक्सा के ऊपर तमाम हुई है। तो इसके बाद और हमने बनी इसराइल को रुस्वा कुन अजाब से बचा लिया, फिरौन के शर से जो ज्यादती करने वालों में भी सबसे ऊंचा था, और हमने बनी इसराइल को तमाम आलमीन में समझ बूझ कर इंतखाब किया है और इन्हें ऐसी निशानियां दी हैं जिनमें खुला हुआ इम्तिहान पाया जाता है। बेशक ये लोग यही कहते हैं कि ये सिर्फ पहली मौत है और बस, इसके बाद हम उठाए जाने वाले नहीं हैं। उनके यहां मौत के बाद जिंदगी का कोई तसव्वुर नहीं था, मर गए मर गए,
और यही तस्वीर बड़ा खतरनाक होता है। लिहाजा जब दुनिया ही को इंसान सब कुछ समझ लेता है तो सोचता है कि जितने दिन हो ऐश आराम कर लो, लेकिन अगर दुनिया के बाद दूसरी दुनिया का तस्वीर होता है तो फिर उसकी बुनियाद के ऊपर इंसान उसकी फिक्र करता है और इसी दुनिया ही में ऐशो आराम के असबाब फराहम नहीं करता बल्कि उस दुनिया में ऐशो आराम की सोचता है कि यहां तो जैसे कैसे गुजर जाएगी, ये 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल ये तो गुजर जाएंगे, वहां क्या होगा। लिहाजा जो खुदा जो अल्लाह वाले हैं वो दुनिया की फिक्र नहीं करते हैं, वो हमेशा हमेशा रहने वाली जिंदगी की फिक्र करते हैं। और इन्हें और हमने बनी इसराइल को तमाम आलमीन में समझ बूझ कर इंतखाब किया। हां यह सिर्फ पहली मौत है और बस इसके बाद हम उठाए जाने वाले नहीं, और अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को कब्रों से उठाकर ले आओ, भला ये लोग ज्यादा बेहतर हैं या कौम तुब्बा और इनसे पहले वाले अफराद जिन्हें हमने इसलिए तबाह कर दिया कि ये सब मुजरिम थे। ये कौम तुब्बा भी इसी तरीके की कौम थी जैसे फिरौनी थे। और हमने जमीन और आसमान और इसकी बीच इसकी दरमियानी मखलूकात को खेल तमाशे के लिए नहीं पैदा किया है, हमने इन्हें सिर्फ हक के साथ पैदा किया है, लेकिन इनकी अक्सरियत इस बात से जाहिल है। वो जिंदगी के मकसद को नहीं समझते हैं, जिंदगी के हदफ को नहीं समझते हैं कि जिंदगी का हदफ और मकसद है क्या, और वो समझते हैं कि हमारे खेल कूद के लिए। बेशक फैसले का दिन इन सब के उठाए जाने का मुकर्रा वक्त है, उस दिन किसी को छूट नहीं मिलेगी। जिस दिन कोई दोस्त दूसरे दोस्त के काम आने वाला नहीं है और ना इनकी कोई मदद की जाएगी अलावा उसके कि जिस पर खुदा रहम करे कि बेशक वो बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। हां अगर किसी की कोई ऐसी नेकी कोई ऐसा कार्य खैर कोई ऐसा अमल कि उस अमल की बुनियाद पर कयामत के दिन रहम परवरदिगार बंदे के शामिल हाल हो जाए वो अलग बात है, वरना किसी के ऊपर भी रहम नहीं किया जाएगा। बेशक आखिरत में थूहड़ का दरख्त है, थूहड़ बहुत कड़वा किस्म का एक दरख्त होता है जिसकी छाल या जिसका गूद जिसका जो पानी होता है बहुत ही कड़वा होता है। बेशक आखिरत में थूहड़ का दरख्त है जो गुनहगारों की गिज़ा है, गुनहगारों को इस थूहड़ के दरख्त को खिलाया जाएगा या इसका पानी पिलाया जाएगा। वो पिघले हुए तांबे के मानिन पेट में जोश खाएगा, यानी आप सोचिए कि जिस तरीके से तांबे को क्या बोलते हैं, यहां तांबे ही कहते हैं ना गुजरात, तांबे को जब आप भट्टी में उसको पिघला दो तो जोश आता है, ऐसे ही ये थूहड़ जब पेट में जाएगा तो पेट में जोश मारेगा जैसे तांबा जोश मारता है। पिघले हुए तांबे के तरीके से ये जोश खाएगा, जैसे गर्म पानी जोश खाते जैसे पानी उबलता है। फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसे पकड़ो और बीचों बीच जहन्नम में ले जाओ, फिर इसके सर पर खौलते हुए पानी का अजाब उंडेल दो, कहो कि अब अपने किए का मजा चखो कि जो कुछ तुमने दुनिया में किया था अब उसका मजा चखो कि तुम तो बड़े साहिब इज्जत और मोहतरम कहे जाते थे, यही वो अजाब है जिसमें तुम शक पैदा कर रहे थे। तुम कह रहे थे कि मौत के बाद कोई मौत नहीं है, मौत के बाद कयामत नहीं है, मौत के बाद कौन जिंदा करेगा। बेशक वो साहिबान तकवा महफूज मकाम पर होंगे। ये कुरान मजीद का एक इम्तियाज ये भी है कि कुरान मजीद ने जहां जहन्नम का तस्करा किया है और जहन्नम वालों की बात की है, वहीं बाद में जन्नत वालों का तस्करा किया जन्नत की बात की है। अगर पहले जन्नत वालों का तस्करा किया है जन्नत की बात की है तो बाद में जहन्नम वालों का तस्करा है जहन्नम वालों की बात की है। अगर पहले जहन्नम वालों का तस्करा किया उनकी बात की तो बाद में जन्नत वालों का तस्करा किया उनकी बात की। एक तरफ खौफ और दूसरी तरफ उम्मीद, इंसान मायूस ना होने पाए, इंसान खौफ में भी रहे और उसे एक उम्मीद भी रहे। खौफ इस बात का कि इतने हमारे गुनाह हैं कैसे हम बख्शे जाएंगे कैसे हम माफ किए जाएंगे, उम्मीद किस बात की
अल्लाह गफूर और रहीम है, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा रब हमको माफ कर देगा, अगरचे हमारे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, लेकिन तारीख में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिनको जिनके गुनाह बहुत ज्यादा थे लेकिन अल्लाह ने उनको माफ कर दिया, उनको बख्श दिया। बेशक वो साहिबान तकवा महफूज मकाम पर होंगे, बागात और चश्मों के दरमियान होंगे, ऐसा ही होगा। और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से उनके जोड़े लगा देंगे, उनकी शादियां करवाएंगे, और वो वहां हर किस्म के मेवे सुकून के साथ तलब करेंगे, और वहां पहली मौत के अलावा किसी मौत का मजा नहीं चखना होगा। बस जो मौत आ गई आ गई, अब इसके बाद वहां मौत नहीं आएगी, और खुदा इन्हें जहन्नम के अजाब से महफूज रखेगा। ये सब आपके परवरदिगार का फजल करम है, और यही इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। बस हमने इस कुरान को आपकी जबान से आसान कर दिया है कि शायद ये लोग नसीहत हासिल कर लें, फिर आप इंतजार करें, और ये लोग भी इंतजार कर ही रहे हैं। कई मकामात पर अल्लाह ने इंतजार की बात की है, तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين। अज़ान ग्रामी, पिछले दर्स में आपकी खिदमत में इसी मस्जिद के सिलसिले में अर्ज किया था, मस्जिद में आना, मस्जिद का बनाना, मस्जिद में बैठना, ये सारी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी। आज एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है, वो ये आपस में दोस्ती। जहाँ इंसान को जीने के लिए घर की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, खानवादे की ज़रूरत पड़ती है, वहीं जीने के लिए अच्छी क्वालिटी के दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने घर में भी नहीं बता पाता है, वो दोस्तों के ज़रिए से उन मामलात को हल करता है। अब आप देखें, दोस्त का किरदार दोस्त के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब हमें कैसा किरदार चाहिए दुनिया में, हमें कैसे जीना है, वैसे ही दोस्त तलाश करना। अगर हमको आखिरत चाहिए तो ऐसे दोस्त की तलाश करना पड़ेगी जो आखिरत की तरफ रग़बत रखता हो। दुनिया चाहिए तो ऐसे दोस्तों की तलाश करनी पड़ेगी जिनके पास दुनिया ही दुनिया है। तो दोस्त तो है, लेकिन तलाश हमें करना है, उसकी सोबत हमें अख्तियार करना है। दोस्त का बहुत बड़ा असर पड़ता है दीन पर भी, दुनिया पर भी। लेकिन जब हम कुरान को देखते हैं तो कुछ मकाम पर अल्लाह ने कहा कि हम इसको दोस्त रखते हैं। मासूमीन ने भी कुछ किरदार को अपना दोस्त बनाया। अब आप देखें, सबसे पहले बारगाह इलाही में चलते हैं और इस कुरान की तरफ मुतवज्जे होते हैं। वो सारी आयतें तो नहीं पढ़ सकता और गिना सकता, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने क्या कहा, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबी, अल्लाह तौबा करने वाले को दोस्त रखता। अब जो भी मुसल्ले इबादत पर, बिस्तर पर इस्तगफार करता है, अल्लाह उसे दोस्त रखता है, यानी उस तरफ से हाथ बढ़ा हुआ है। दूसरे मकाम पे क्या कहता है, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वाले को दोस्त रखता है। चाहे जिस एतबार से आप एहसान करें, चाहे माल दौलत से
एहसान करें, चाहे अपनी ताकत से करें, चाहे अपने नजरियात से करें, चाहे अपने इल्म से करें, चाहे अपने कारोबार से करें, जिस जाविये से भी आप एहसान करें, अल्लाह कह रहा है कि हम एहसान करने वाले को दोस्त रखते हैं। और देखते चले जाएं तो आपको मिलता चला जाएगा कि तौबा करने वाले को दोस्त रखता है, बातहारत अफराद को दोस्त रखता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, जो हर वक्त बातहारत रहते हैं, बावजू रहते हैं, पाक और साफ रखे रहते हैं, अल्लाह इन्हें दोस्त रखता है। इन्नल्लज़ीन युकातिलून फी सबीलिल्लाह कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, अल्लाह उन्हें दोस्त रखता है जो मैदान जिहाद में ऐसे डट के लड़ते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाते हैं। जहां अल्लाह और दीन और मजहब की बात आ जाती है फिर उन्हें किसी तरह का कोई खौफ नहीं होता। अब देखिए, अल्लाह इन अफराद को दोस्त रखता है, हम किसे रखते हैं? पहला फर्क यही आ गया कि अल्लाह किन लोगों को दोस्त रखता है और हम किन लोगों को दोस्त रखते हैं। यह हर इंसान के ऊपर लाजिम व वाजिब है कि वो अपने जमीर का इम्तिहान ले कि आया हम अल्लाह वाली कर रहे हैं या फिरौन वाली कर रहे हैं। और आगे बढ़ें, कुछ चीजें ऐसी हैं हम दोस्त बनाते काहे लिए हैं, जितना हजी मजाक ठट्ठा मुगलिजात जो कुछ हो उनके साथ हम शेयर कर सके। रवायत में मिलता है कि पैगंबर फरमाते हैं कि अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक न करो। सबब वही है कि जल्दी दोस्ती खत्म हो जाएगी, तुम एक अच्छा इंसान अपने हाथ से खो दोगे। बहसों मुबाहसा न करो, ठीक है। यहां पे कहीं कहीं ऐसा होता है कोई चीज हमारे समझ में नहीं आती है, हमने बयान किया, आपने उससे बेहतर दलील दी, हमने उसे तस्लीम कर लिया। लेकिन कभी कभी बहसो मुबासला वो जिदाल के हद में पहुंच जाती कि हम भले गलत हैं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी शर्त रखी दोस्त के लिए, बहसो मुबासा ना करो और इससे कटपुजती ना करो, जो वादा करो उसे वफा करो। यानी अगर दोस्त से कोई बात तुमने कही है कि इंशाल्लाह हम ये देखते हैं करते हैं, तो उसे कोशिश करो ताकि उसका एतमाद टूटने ना पाए, बरकरार रहे। हमारी दोस्ती का मेयार क्या है? किसी को धोखा देना, किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को कुछ करना, ये मेयार चलता है। एक जगह रवायतों में मिलता है कि दोस्त की मिसाल कैसी दी, कहा दोस्त की मिसाल इन हाथों जैसी है। जब भी आप गिरते हैं तो इस जिस्म को बचाने के लिए सबसे पहले कौन बढ़ता है? यही हाथ बढ़ता है। अब अगर दोस्त ऐसा है कि अगर उसे मालूम हो जाए कि फला साहब का एक्सीडेंट हो गया तो कहा स्विच ऑफ कर लो, 5 घंटे के बाद तब तक तो सब कुछ हो गया होगा, मरना होगा तो मर जाएगा, कब्रिस्तान पहुंचना होगा तो वहां पहुंच जाएगा, बाद में पहुंच जाएंगे। कायस की मिसाल भी इन हाथों जैसी, अगर ये हाथ नजिस हो गया है, इस पे गलाजत आ गई है, पानी चालू कर दीजिए, रख दीजिए। अभी जब तक नजासत नहीं जायल होगी इसके ताहिर होने का सवाल ही नहीं होता। तो दोस्त का एक काम यह भी है कि अपने दोस्त को पाको पाकीजा करे। कैसे करेगा? जब ये दोनों हाथ सही सलामत रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर हाथ फिरेगा और इसके ऊपर पानी डाला जाएगा, तब ये ताहिर होगा। एक मिसाल कभी सुनी थी, रवायतों में तो अहादीस में मैंने नहीं देखी, मुमकिन है कि कहीं हो, लेकिन सुना था। कहा दोस्त की मिसाल हीरे जैसी है, भाई की मिसाल सोने जैसी है। मैंने कहा समझ में नहीं आया। कहा देखो, जब सोना टूट जाता है तो सुनार उसे जोड़ देता है, जबकि कीमत में हीरे से कमतर है, लेकिन अगर हीरा टूट जाता है
कहने का मकसद यही है कि दोस्ती को जाने ना दो, दोस्ती को जाने ना दो, यही दोस्ती हमारी और आगे बढ़ेगी। जब आगे बढ़ के मैदान महशर तक पहुंचेगी तब भी ये दोस्त काम आएंगे। दोस्ती बनाओ आखिरत के लिए, हमारे सारे कामों पर आखिरत मुकद्दम होना चाहिए। दो दोस्त थे, जिंदगी साथ में गुजार रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वहां पहुंचे, नामे आमाल को देखा गया, मालूम हुआ कि नामे आमाल में कुछ नेकियां कम है, 25% कम दिख रहा है, 75% है, 25 कम पड़ रही, अब क्या करें। एक दोस्त उधर भाग रहा है जहां बीवी बच्चे का नहीं होगा, बच्चे बीवी के नहीं होंगे, कोई मैदान महशर में साथ देने वाला नहीं होगा। कहा फिर दोस्त दोस्त से मिलेगा, क्या हुआ? कहा मामला ऐसा हो गया। कहा तेरा क्या हुआ? कहा बिल्कुल सेम वैसे ही, जैसे तेरा हुआ वैसे मेरा। कहा क्या किया जाए? एक मरतबा एक दोस्त दूसरे से कहता ये ले मेरी नेकियां, तू जा जन्नत में, मैं देखता हूं। ये दरे जन्नत पे पहुंचने के बाद रुक जाएगा, आंसू बहाने लगेगा, फरिश्ते को भेजा जाएगा, क्या बात है, तेरा नाम है आमाल दाहिने हाथ में है, तुझे जन्नत की बशारत दी गई, क्यों रो रहा है? कहा मेरा एक साथी, मेरा एक दोस्त जो मुझसे जुदा हो गया है वो पता नहीं कहां है, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक ये ना पहुंच जाए। एक मरतबा फरिश्तों से परवरदिगार कहेगा देख मेरे बंदे को, मेरा बंदा ये चाह रहा है कि जब तक मेरा दोस्त ना आ जाए तब तक मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा, जा उसे भी दाखिले जन्नत कर दो। अब आप देखें मुल्ला फैज काशानी साहब अलैहि रहमा, उनकी किताब तफसीर साफी, उसके हवाले से शरे दुआए कुमैल में जुमला लिखा कि एक शख्स को मैदान महशर में फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, एक मरतबा उसे रोका जाएगा और रोकने के बाद उससे कुछ सवाल किए जाएंगे, बता क्या दुनिया में किसी आलिम को दोस्त रखता था? दोस्ती देखें, क्या दोस्त रखता था? कहा नहीं। कहा क्या किसी आलिम के साथ कभी खाना तनाउल फरमाया, खाना खाया? नहीं। कहा किसी दस्तरखान पे बैठे जिसमें कोई आलिम था? कहा हमें किसी आलिम से कुछ लेना ही देना नहीं। अब क्या हो? कहा बता क्या तेरा कोई दोस्त ऐसा था जो आलिम को दोस्त रखता? हाँ हाँ हाँ, मेरा एक दोस्त था जो आलिम को दोस्त रखता था। कहा इसे छोड़ो, जाने दो जन्नत में, क्यों? इसका दोस्त एक आलिम को दोस्त रखता था। अब आप देखें इसे इस सबब से नजात मिल जाएगी, क्यों? एक जगह फरमाया दोस्त की मिसाल साए जैसी है, जब धूप में आप चलेंगे तो आपका साया आपके अपोजिट में होगा, साया कभी साथ नहीं छोड़ेगा जब तक सूरज गुरूब नहीं हो जाएगा, दोस्त की मिसाल साए जैसी है। दोस्त तब तक साथ नहीं छोड़ता है जब तक इस दुनिया से चला नहीं जाता है। इसीलिए आप देखें कायनात में जितनी चीजें हैं उसमें ज्यादातर नई चीजें बहुत अच्छी मालूम होती हैं, लेकिन हकीकत में दोस्त पुराने बेहतर होते हैं। लिहाजा हमें दोस्ती करना है तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में। और एक जुमला बात को यहीं पर खत्म कर देता हूं कि वाकई करबला की जंग में भी सरकारे सैयदुश्शुहदा ने एक दोस्त को खत लिखा बचपन के, जिसे लिखा हबीब इब्न मजाहिर। यानी दोस्त वो होता है जो मुसीबतों में काम आता है, दोस्त का इम्तिहान उसी दिन पूरा हो जाता है जिस दिन दोस्त के ऊपर कोई आफत मुसीबत आती है, पता चल जाता है कि इसकी दोस्ती की बुनियाद दुनिया के लिए है कि आखरत के लिए है। दुआ करते हैं परवरदिगार हम सबको अहले बैत की सीरत पे चलने की तौफीक इनायत फरमा, मजारात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, उलमाए इल्लाम के सायों को हमारे सरों पे बाकी फरमा, परवरदिगार इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आह्वानों सार।
जी कोई सवाल वगैरह तो नहीं है आप हजरात का आज दर्स में? कोई मसला या कोई सवाल हो तो आप फरमाइए, वरना मैं दर्स को ख़त्म करूं। मुत्तकीन से मुतालिक अभी गुफ्तगू हो रही थी, साहिबान तकवा, एक बहुत ही अच्छा गोशा, एक अच्छा नुक्ता इन्हीं मुत्तकीन के ज़ेल में हाशिए के ऊपर नज़र पड़ी, तो उसमें हाशिए के ऊपर है कि अल्लाह ने कहा कि साहिबान तकवा के लिए ऐसे लिबास होंगे, ऐसे मकान होंगे, ऐसी ज़ौजा होगी, ऐसा खाना होगा वगैरह वगैरह। उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा दो मिनट में पूरा कर दूँ। इसको इंसान जिंदगानी दुनिया में चार तरीके की राहतों आराम का तलबगार होता है। खाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा मिल जाए, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास फरहम हो जाए, रहने के लिए उम्दा मकान मिल जाए जो महफूज भी हो और उसमें असबाब आसाइश यानी ऐशो आराम के असबाब भी हों, और इसके बाद इंतहाई खूबसूरत और खुश अखलाक ज़ौजा मिल जाए ताकि जिंदगी को सुकून फराहम हो जाए और ज़िंदगी दरहम बरहम ना हो। लेकिन ये चारों चीज़ें एक साथ मिलती नहीं हैं, ये चारों चीज़ें एक साथ मिलती नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि तुमको हम चारों चीज़ें एक साथ देंगे, बस एक शर्त है, तुम खाली तकवा इख्तियार कर लो। और ये चारों चीज़ें जो दुनिया में नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है कि चारों चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएं, हम ये चारों चीज़ें आपको एक साथ देंगे। परवरदिगार आलम ने इंसान को तवज्जो दिलाई कि दुनिया में तो इन राहतों का फराहम होना नामुमकिन है। हर राहत के साथ एक तकलीफ लगी हुई है, हर आराम के साथ एक तकलीफ, एक मुश्किल लगी हुई है। ग़िज़ा में खराब होने का खतरा है, लिबास में पुराना होने का अंदेशा रहता है, मकान में गिर जाने का खतरा बना रहता है, ज़ौजा में छूट जाने या बूढ़ा हो जाने का अंदेशा रहता है, रहता ही नहीं होता चारों चीजों में। अलबत्ता जन्नत की नेमतें हमेशा रहने वाली हैं और इनमें इस तरह का कोई खतरा नहीं होगा। सिर्फ फर्क यह है कि इनका हुसूल तकवे के बगैर मुमकिन नहीं है। जन्नत का मकान महफूज भी है और इसमें बागात और चश्मों का सिलसिला भी है, वहां का लिबास रेशम का है और दबीज और हल्का दोनों तरह का है, जो छुपाने वाला भी है और जीनत वाला भी है। वहां की ज़ौजा बड़ी बड़ी आंखों वाली हुरे होंगी, वहां की ग़िज़ा में हर तरह का मेवा है, जो चाहे सामने हाजिर हो जाएगा। और इनके बाद सबसे बालातर ये नेमत है कि वहां मौत का कोई अंदेशा नहीं होगा। दुनिया में तो लाख हासिल करो फिर भी डर लगा रहता है कि कहीं मर न जाए। कयामत के दिन इन तमाम नेमतों के साथ साथ एक खूबी ये होगी कि मरने का खौफ नहीं होगा और फजल परवरदिगार हमा वक्त शामिल हाल रहने वाला है। और यही वो राहत है जिसको अजीम कामयाबी कहा जा सकता है, जो साहिबान तकवा के लिए अल्लाह ने लिखी है। उस परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, माबूद हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम सबको इल्म और अमल के जेवर से आरास्ता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, माबूद इन ज़ालिमों का खात्मा फरमा, मज़लूमों की मदद फरमा, ख़ास करके गज़ा और फ़िलिस्तीन के अवाम के ऊपर रहम फरमा, और इज़राइल ग़ासिब और इसके तमाम हम नवा और इसके पुश्त पनाहों को जलील खार और नीस्त नाबूद फरमा। व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम की तिलावत फरमा कर इस दर्स में जो हजरात मौजूद हैं उनके मरहूमीन और वो तमाम उलमा और मराजे और मोमिनीन जो आज हमारे दरमियान में नहीं है उनकी अरवाह को बख्श दे।
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما